हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन चिली करी। इसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आज सोयाबीन के लिए। सबसे पहले हम लोग सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो के रख लेंगे। इसे तकरीबन आप 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखिए ताकि सोयाबीन हमारे अच्छी तरह फूल जाए और आपको अच्छे सॉफ्ट और फ्लफी सोयाबीन मिल जाएंगे। फिर आप सोयाबीन को ज़रूर गर्म पानी में ही भिगो के रखिए। ठंडे पानी में भिगोने से वो फिर अच्छी तरह पकते भी नहीं हैं और उसके बाद उसमें अच्छा सॉफ्टनेस भी नहीं आता है। फिर हम टमाटो प्यूरी लेंगे। इसे मैंने मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया था। प्याज हमको चाहिए 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अच्छी तरह से पीस लीजिए। मसाले में हमको चाहिए पड़ेगा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। हल्दी और धनिया पाउडर मैंने धनिया पाउडर 1 स्पून लिया है। फिर गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और चिली पाउडर। ये कश्मीरी चिली पाउडर लिया है मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल चिली पाउडर ले सकते हैं पर मैंने कश्मीरी लिया है क्योंकि कश्मीरी चिली पाउडर हमारे करी को अच्छा फ्लेवर और अच्छा कलर देता है। तो ये मसाले हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे हमारे सोयाबीन करी के लिए। अब हम अपना स्टव जलाएंगे और उसमें अपनी तेल डालेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे हम। कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म होने दीजिए, उसके बाद उसमें तेल डालिए। इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से आप तेल डाल सकते हैं। तेल जब हीट हो जाए हम इसमें राई डालेंगे। अब हम इसमें राई डालेंगे। राई जब हमारे अच्छी तरह भून जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। इसमें हम पहले मिर्ची और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डालेंगे। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट और मिर्ची को आप अच्छी तरह भून लीजिए। गोल्डन ब्राउन कलर होने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप प्याज डाल दीजिएगा इसमें। थोड़ा सा जब वो भून जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने 2 प्याज लिए थे, 2 बारीक कटे हुए। क्वांटिटी के हिसाब से आपकी जितनी सोयाबीन की क्वांटिटी आप उस हिसाब से प्याज ले सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्याज ले सकते हैं। जितना प्याज डालेंगे उतना आपकी सब्ज़ी टेस्टी होगी और उसमें ग्रेवी अच्छी आएगी। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि आपके प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। इसको हिला लीजिए। प्याज को हिलाते रहिए जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। जब हमारे प्याज अब गोल्डन ब्राउन कलर हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, अच्छी तरह ये
पक चुके हैं। उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और कश्मीरी चिली। ये सब मसाले डाल के हम अच्छी तरह मिला लेंगे और हम मिश्र मसाले को जब भुनने तक उसे मिलाते रहेंगे। मसाले को थोड़ी सी धीमी आंच में भून लीजिए ताकि उसमें कच्चापन ना आए। हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम उसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटो प्यूरी हम मसाले के साथ मिक्स करके उसे थोड़ी देर तक रख देंगे गैस में ताकि हमारे मसाले और टमाटो अच्छी तरह पक जाए और उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के दे देंगे ताकि वो नीचे चिपके ना। हमारे टमाटर को मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब जैसे आपने देखा हमारे टमाटर और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे। हम अपने सोयाबीन डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सोयाबीन हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह सोयाबीन में पकड़ लें। आप इसमें अभी पानी मत डालिएगा क्योंकि आप अगर पानी पहले डाल देंगे तो हमारे जो सोयाबीन है उसमें मसाले पकड़ेंगे नहीं, इसलिए हम थोड़ी देर से सोयाबीन को मसाले के साथ रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह सोयाबीन में पकड़ जाए और उसका टेस्ट उसमें आ जाए मसाले का। तो हम थोड़ी देर मसाले के साथ सोयाबीन को रख देंगे हमारे गैस में थोड़ी देर तक पकने के लिए। थोड़ी देर रखने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम अब इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद हमारे जो सोयाबीन है सोयाबीन अच्छी तरह मसाले के साथ अच्छी तरह मसाले उसमें पकड़ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप पेपर भी डाल दीजिए, ब्लैक पेपर डालेंगे तो और इसमें अरोमा अच्छा आएगा और आपकी जो करी है और ज़्यादा टेस्टी होगी। ब्लैक पेपर आपको थोड़ा सा उसमें फ्लेवर भी देता है और साथ में आपके जो करी है उसको अच्छा बनाता है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। इसको मिला दीजिए अच्छी तरह। मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के रख लीजिए। अब आप लिड को खोल लीजिए। अब आपने जैसे देखा हमारे सोयाबीन अच्छी तरह उसमें मसाले पकड़ गए हैं। अब हम उसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी की तरह हमें चाहिए है तो हम उसमें उतना पानी डालेंगे जितना हमको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी डालने से हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और उसको हम लोग पानी डालने के बाद थोड़ी देर बंद करके लिड से रख देंगे ताकि जो हमारे सोयाबीन है अच्छी तरह पानी को पकड़ ले और हमें अच्छी एक ड्राई सोयाबीन मिले
मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है और ना ही इसको ज़्यादा पानी से निकाला है। सोयाबीन को एक मसाला की तरह निकाला है, मसाला अच्छी तरह उसमें पकड़ लिया है। आप देखा कि हमारी सोयाबीन रेडी है करी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पर और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा।